नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। एक तरफ जहां सदन में नेता उन मुद्दों पर बहस करते हैं जिसका आम जन सरोकार से कोई मतलब नहीं होता है, वहीं पप्पू यादव जो कि जन अधिकार पार्टी के संरक्षक हैं और मधेपुरा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो अभी भी उन क्षेत्रों में घूम रहे हैं जहां पर चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाकों की। आज पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के मीनापुर में थे, इस दौरान उन्होंने मीनापुर के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाया और चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए दवा का वितरण किया। मुफ्त दवा वितरण के साथ साथ उन्होंने जो दवा नहीं मिल रही थी उस दवाओं के लिए उन्होंने आर्थिक मदद भी की है। जो बच्चे पीड़ित हैं, जो बच्चे इस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, उस बीमारी से बचने के लिए लोगों को आर्थिक रूप से मदद भी कर रहे हैं पप्पू यादव। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, यह तस्वीर मुजफ्फरपुर के मीनापुर की है। मीनापुर में आज पप्पू यादव ने एक कैंप लगाया जहां पर उन्होंने मुफ्त दवा वितरण किया। इस दौरान जो दवा नहीं थी उस दवा के बदले उन्होंने नगद भी दिए। अब जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से हम आपको वह तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, पप्पू यादव लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ पे कई ग्रामीण मौजूद हैं, आप जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, और सबको वो दवा वितरण कर रहे हैं, वह दवा जिससे चमकी बुखार से बच्चों को बचाया जा सकता है। लगातार आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में अब तक 150 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, चमकी बुखार एक कहर बनकर आई और अब तक 150 से अधिक बच्चों को निगल चुकी है। और इस चीज़ को लेकर, इस बड़ी कहर को लेकर अब पप्पू यादव लगातार शुरू से लेकर अब तक सक्रिय हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं जैसा कि आप को हमने पहले भी विभिन्न वीडियो के माध्यम से बताया था। और इस वक्त फिर से पप्पू यादव अभी उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जो क्षेत्र इस बीमारी से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। पप्पू यादव मुजफ्फरपुर में कैंप लगा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में दवा वितरण कर रहे हैं। दवा अगर नहीं मिल रही है तो उसके बदले वो दवा के बदले वो पैसे दे रहे हैं, नगद सहायता कर रहे हैं ताकि वो दवा उपलब्ध हो सके और बच्चों को इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। मैं पहले बधाई दूंगा पटना के सभी कई नर्सिंग होम के हमारे गार्जियन को, डॉक्टर को भी। लगातार मुजफ्फरपुर में मेरे साथ वो जो कुपोषित हैं, जो कई संक्रमण बीमारी से ग्रसित हैं, वो गरीब हैं, वो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो वंचित, वो सभी लोग लगातार मेरे साथ काम कर रहे हैं और एक टीम। मैं ख़ास तौर पर जो इच्छा मेरी है कि किसी भी कीमत पर गरीबी शब्द खत्म हो, गरीबी से नफरत, अमीरी हो मुझे कोई लेना देना नहीं। पता नहीं 70-72 के दशक से आज तक की गरीबी वरदान क्यों होता जा रहा है और अमीरी अभिशाप क्यों होता जा रहा है। अमीरी रहने में कोई औचित गलत नहीं है, लेकिन गरीबी क्यों रहे ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल कुपोषण को लेके भी है, ये पैसे गए कहाँ। सवाल सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने दिया एफिडेविट, वो दुनिया को पता है। फिर केंद्र ने जो एफिडेविट दिया ये कितना गलत दिया कि बिहार सरकार कर रही है इसलिए इस सुनवाई को रोक दिया जाए, जब बिहार सरकार खुद ही कर रही है 72-73% मेरे पास नर्स नहीं है, 50% डॉक्टर नहीं है, 50% हमारे पास कर्मचारी नहीं है, इंफ्रा नहीं है मेरे पास और काफ़ी दिक्कत है। 15 सालों से एक सुशासन है जो विकास की बात करता है और 15 साल पहले दूसरी सुशासन थी, एक था जंगल राज, दूसरा है माफिया राज। ये जंगल राज और माफिया राजों के बीच में बिहार के 11.3 करोड़ लोग लगातार परेशान हैं, रोजगारों से लेकर के बीमारियों से, और ये 13 से लेकर के 19 तक ये हालात हैं। और किसी को संकल्प लेने की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि मीनापुर में लगातार 2 दिन हमारे मीना कुशवाहा जी और हमारे नीलम कुशवाहा जी और शिवचंद्र जी और कई सारे हमारे सुनील जी, राकेश जी, कई सारे लोग हमारे साथ, हमारे गार्जियन रघुपति बाबू और सभी लोग लगातार कैंप कर रहे हैं, यहाँ नज़र रखे हुए। और हमारे मुजफ्फरपुर की जो युवा टीम है, छात्र टीम है, ये दोनों लगातार कहीं ना कहीं, कल हम एक अलग ब्लॉक में होंगे, फिर हम लगातार 3 महीने हम इस संकल्प को लेके एक साथ काम करेंगे। हम ये बात आपको बहुत ही गंभीरता से, हम आपका सहयोग चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार में ऐसे लोग जो
गरीब आदमी और आम आदमी के प्रति संवेदनशील है, वैसे संवेदना मर चुकी है और समाज की संवेदनहीनता के चलते आज ये सारा समस्या है। सबसे बड़ा दोषी समाज है, समाज ही ऐसे लोगों को, ऐसे कुकर्मी, ऐसे गलत लोगों को, ऐसे माफिया को तवज्जो देता है, उसका नेतृत्व स्वीकार करता है, फिर जाति धर्म मजहब के आधार पर ऐसे लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। इसलिए दुख तो होता है, लड़ाई हमारी समाज के संवेदनहीन लोगों से है, मैं लड़ूंगा, वक्त का इंतजार करिए, मैं पहले इस कुपोषण के खिलाफ जंग लड़के लगातार मैं आगे बढ़ूं और उम्मीद करता हूं केंद्र और बिहार सरकार जो दो बड़ी डबल इंजन है और उसके पहले जो नेता है विपक्ष जो लगातार पैर में घाव हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके माथे में घाव है, मुंह में घाव है, दो शब्द का पीड़ा भी ना कहना, 20-20 लेबर मर जाता है बलरामपुर पूना में और उसके बाद दिल की बात मन की बात नहीं आती है, ट्वीट हो जाता है, अब एक शिखर धवन के लिए ट्वीट हो जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कई सारे चीज़ें, सरपंच के लिए ट्वीट हो जाता है, लेकिन मासूम बच्चे के लिए ट्वीट का सवाल नहीं होता है, 20 मजदूर मर जाते हैं उस पर ट्वीट का बहस नहीं होती है, लगातार गैंग रेप होता है इस बिहार में, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। आज मेरी लड़ाई सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर की गरीबों की आज़ादी के लिए है और इसको हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, समय लगेगा लेकिन हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में गरीब शब्द जरूर। आपको बता दें कि जब मुजफ्फरपुर में इस साल चमकी बुखार ने दस्तक दिया था उस वक्त भी पप्पू यादव सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। अब भले ही कई नेताओं का आना जाना लगा रहा, उस बीमारी को लेकर सियासत भी तेज हुई, लेकिन पप्पू यादव वह नेता बने जो कि सबसे पहले इस मुद्दा पर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे मुजफ्फरपुर में। उसके बाद वो जब यह मामला काफ़ी गंभीर बनता गया तो एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम लेकर पहुंचने वाले भी पप्पू यादव सबसे पहले नेता बने। अब एक बार फिर से पप्पू यादव जो कि मुजफ्फरपुर में अभी कैंप लगा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है, उसके लिए वो दवा वितरण कर रहे हैं, आर्थिक सहायता कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में अब तक 150 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। लगातार बच्चों की इस मौत को लेकर भले ही सियासत जारी हो, लेकिन इस सबसे इतर पप्पू यादव हर वो काम कर रहे हैं जिससे बच्चों को बचाया जा सके। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं।